देखिए रोहित सर, इंडियन नेशनल मूवमेंट का 45 लेक्चर हमने पढ़ लिया है और ये 46वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त ऑफर के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये ऑफर किसके द्वारा दिया गया था? उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ना, इनके द्वारा दिया गया था। किसको? जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको दिया गया था। मुख्य तौर पर तो कांग्रेस को ही दिया गया था क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था। उसी विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के दिमाग में ये आया कि भैया इंडियन का सपोर्ट पूरा हमें मिल जाए तो हमें मजा आ जाए, इस कारण से उन्होंने ये अगस्त ऑफर दिया था। अगस्त के महीने में दिया था, 8 अगस्त को, इसलिए अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो भैया। इससे पहले 45वां लेक्चर था जिसमें आपने 1937 का जो चुनाव हुआ था जिसमें 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी वो आपने पढ़ा, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कांग्रेस ने बाद में आगे चलकर 8 की 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया जिससे मुस्लिम लीग खुश हो गई थी, उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। अब आज आपको ये कारण पता लग जाएगा क्यों आखिर कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था, ठीक है? तो अगस्त ऑफर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी तक तो आपके दिमाग में चल रहा होगा 1937 का चुनाव हुआ बस। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या होता है, 1939 में एक अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन। ये त्रिपुरी जो जगह है बच्चों, ये त्रिपुरी जो जगह है मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। हालांकि इस अधिवेशन के लिए फिर से सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है अध्यक्ष पद के लिए। इससे पहले 1938 में अधिवेशन हुआ था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने थे और इसमें भी ये अध्यक्ष बने थे। जब ये सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारमैया। बोले कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, पट्टाभी सीतारमैया बनने चाहिए। अब दो कैंडिडेट हो गए, सीट एक ही है, तो होना क्या था, चुनाव होना था। तो चुनाव हुआ और गांधी जी ने सबको कह रखा था, कांग्रेस के जितने सदस्य थे, जितने कार्यकर्ता, सबको कह रखा था कि देखो पट्टाभी सीतारमैया मेरा कैंडिडेट है, जीत होगी पट्टाभी सीतारमैया की तो मानी जाएगी मेरी जीत है, हार होगी तो मेरी ही हार मानी जाएगी। लेकिन जब चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस एक तरफा वोटों से जीत जाते हैं, गांधी जी बम्पर वोटों से जीत जाते हैं। गांधी जी हो गए नाराज, गांधी जी ने बोला कि भैया ये मेरी हार है, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। अब अध्यक्ष पद पर कौन बन गए हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रस्ताव ला रहे हैं, गांधी जी ने तो हट कर रखा कि हमें विरोध करना ही करना है। कुछ भी प्रस्ताव, कुछ भी सुझाव दे रहे हैं, गांधी जी विरोध करने शुरू कर दे रहे हैं, आंख बंद करके विरोध करना शुरू कर दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने हाथ जोड़ दिए, भैया गांधी जी आपको मैं नाराज करके नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं अपना रास्ता ही बदल लेता हूँ। तो इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, और अपनी पार्टी शुरू की, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक। चलिए, ये आपको 1939 का अधिवेशन समझ में आ गया। और 1939 में सितंबर के महीने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है सितंबर 1939 से और सितंबर 1945 तक चलता है। ये आपने विश्व युद्ध, जो सेकेंड विश्व युद्ध है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा है। मेरा मेन उद्देश्य विश्व युद्ध को समझाना नहीं है, मेरा मेन उद्देश्य आपको ये बताना है कि विश्व युद्ध चल रहा है और यहाँ पर मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी कंट्री है, और इसके ऑपोजिट जो धूरी राष्ट्र है इसमें जर्मनी, इटली, जापान है। अब हमारी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उस पर क्या प्रभाव डाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने, वो हमें देखना है। 3 सितंबर 1939 वो दिन था जब भारतीयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, और यही वो मौका था, कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस ने क्या किया, सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया, 8 राज्यों में सरकार थी, इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, इतना पढ़ा आपने।
अब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो आगे क्या करना है, कांग्रेस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो माँ रामगढ़ में अधिवेशन बुलाया गया मार्च 1940 में, स्पेशल अधिवेशन है। वैसे तो दिसंबर में अधिवेशन होते हैं, लेकिन कोई स्पेशल बात आ जाती है तो जल्दी अधिवेशन बुला लिया जाता है। तो यही मार्च 1940 में अधिवेशन बुलाया गया रामगढ़ में, बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है। अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद को बनाए गए। यहाँ प्रस्ताव रखा गया कि देखिए इस समय अंग्रेजों को हमारी बहुत ज़रूरत है, विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड विश्व युद्ध, यहाँ पर अंग्रेजों को हमारा सपोर्ट बहुत चाहिए। हम एक शर्त पे अंग्रेजों को सपोर्ट कर सकते हैं, वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि जैसे राज्यों में सरकार बनाई थी अंग्रेजों ने हमारी, वैसे अब केंद्र में सरकार बना दें, और वही सरकार अस्थाई सरकार हो, अंतरिम सरकार हो, जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा जाता है, अल्पकालीन सरकार। जब तक विश्व युद्ध चल रहा है तब तक केंद्र में सरकार बना दे, आगे देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। मतलब परमानेंट सरकार नहीं मांग रहे थे केंद्र में, अस्थाई सरकार जब तक विश्व युद्ध चल रहा है। अगर ऐसा कर देते हैं अंग्रेज तो हम अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट करेंगे। ये प्रस्ताव किसने रखा? कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में रखा, ठीक है। ये तो मार्च की बात थी। तो आगे अगस्त में अंग्रेजों का प्रस्ताव आया, इसी को तो अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त वाले महीने में आया, और किसके द्वारा आया? भारत के वायसराय, भारत के जो वायसराय उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उनकी ये चाहत थी कि भैया कांग्रेस नाराज बैठी है हमसे, और कई और पार्टियां नाराज बैठी है, अगर ये हमारा सपोर्ट कर दें तो बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है। तो इसी चाहत में अगस्त प्रस्ताव रखा गया। तो समझ में आ गया अगस्त प्रस्ताव क्या है। वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। चूंकि ये प्रस्ताव अगस्त में रखा गया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, और ये प्रस्ताव पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष रखा गया, उनको ऑफर दिया गया। क्यों ऑफर दिया गया? उसमें अंग्रेजों का क्या स्वार्थ था? कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज अंग्रेजों का सपोर्ट करें प्रथम सेकंड विश्व युद्ध में, ये उनकी चाहत थी। समझ में आ गया। अब मेन उद्देश्य, मेन मुद्दा ये उठता है कि भैया अगस्त प्रस्ताव की विशेषताएं क्या थी, क्या विशेषताएं थी? चार महत्वपूर्ण विशेषताएं ही आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात, पहली बार यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की बात की गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई। हालांकि हमारे इंडियन बहुत पहले से ही मांग कर रहे थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर कहा कि भैया ठीक है आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कर दी जाएगी, जिसका काम होगा भारतीयों के लिए संविधान का फ्रेम बनाना, मतलब संविधान के ढांचे को तैयार करना, और इस संविधान सभा में सारे के सारे इंडियन होंगे। तो ऐसा पहली बार अंग्रेजों ने माना कि इंडियन अपने लिए संविधान खुद ढांचा तैयार करेंगे, पहली बार स्वीकार किया गया। स्वीकार क्या मतलब? बात की गई, ऑफर दिया गया, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रखा लक्ष्य जो रखा था ना, वो डोमिनियन स्टेटस का ही रखा था। मतलब हमें वो संविधान बनाने की इजाज़त दे देंगे, उसी संविधान के तहत हम शासन को चलाएंगे इंडिया में, लेकिन पूरा ओवरऑल इंडिया किसके कब्जे में होगा? ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में होगा, ब्रिटिश सरकार के कब्जे में होगा। पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होंगे, जैसे आज स्वतंत्र है ना, ऐसे स्वतंत्र नहीं होंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का यहाँ लक्ष्य रखा गया। अब दूसरी बार ऑफर क्या दिया गया? दूसरा ऑफर ये दिया गया कि भैया जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो वायसराय की कह सकते हैं कार्यकारी परिषद है, जैसे आज सरकार की कैबिनेट है, वो कार्यकारी परिषद है ना, इसका विस्तार किया जाएगा। मतलब इस कार्यकारी परिषद में संख्या बढ़ाई जाएगी, और इसमें इंडियन भी होते थे और अंग्रेज भी होते थे। अब तक क्या चलता आ रहा था, अंग्रेजों की संख्या इंडियन से ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ ऑफर दिया गया कि भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल की विस्तार तो करेंगे, और जो इंडियन है ना उनकी संख्या हम ज़्यादा कर देंगे, जो अंग्रेज होंगे उनकी संख्या कम कर देंगे। मतलब इस कार्यकारी परिषद के अंदर जो इंडियन होंगे उनकी संख्या क्या होगी, उनका नंबर ज़्यादा होगा अंग्रेजों से,
ये ऑफर पहली बार ऐसा दिया गया कि पहली बार बात की गई कि कार्यकारी परिषद में अंग्रेजों से ज़्यादा इंडियन कर दिए जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो अभी ऑफर है। अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। माफ कीजिएगा ये शोर शराबा हो रहा है, थोड़ा गाड़ी चली जाए, अभी हम हाईवे पे पढ़ा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, ये हमारे बगल में जो बैठे हैं ना, इन्हीं का हॉस्पिटल है, इन्हीं के हॉस्पिटल में मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, दो दो आईएएस ऑफिसर जितना ये बैठे बैठे कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी चाहत है कि पीसीएस निकाल दें, यूपी पीसीएस निकाल दें। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, तो मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है। दिन में प्रैक्टिस करते हैं ये डॉक्टरी की, और रात में तैयारी कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे ये पढ़वा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है पढ़िए, लेकिन मैं रिकॉर्ड भी करूँगा, बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। तो डॉक्टर साहब इतना समझ में आ गया आपको ना। अब देखिए, अल्पसंख्यकों को यहाँ वीटो पावर दिया गया, मतलब ये बोला गया कि कोई भी कानून बनेगा, कोई भी संविधान बनेगा, वो अल्पसंख्यकों की बिना मर्जी के नहीं बनेगा। मतलब ऐसा कोई भी कानून का कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं होगा जिसमें अल्पसंख्यक सहमत ना हो। अगर अल्पसंख्यक सहमत नहीं है तो वो कानून नहीं बनेगा। तो अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दे दी गई, ठीक है। बिना अल्पसंख्यकों की मदद के कोई भी कानून नहीं बनेगा, समझते रहिएगा। और चौथा, वार एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया। ये वार सिचुएशन में जो एडवाइस देने की काम करती है काउंसिल, उसका गठन किया गया। इसमें इंडियन भी होंगे और अंग्रेज भी होंगे। मतलब किया गया, मतलब ऑफर दिया गया कि किया जाएगा, उसमें इंडियन को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये चार ऑफर हैं, ये चार ऑफर किसके द्वारा रखे गए? अंग्रेजों के द्वारा रखे गए। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ कंडीशन दी कि भैया ये चारों के चारों ऑफर तब वैलिड होंगे जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करेंगी इस विश्व युद्ध में। कितना बहका रहे हैं हमें अंग्रेज, ठीक है। तो ये अंग्रेजों ने अपना काम कर दिया, ऑफर दे दिया। अब हमारी बारी थी कि हम क्या प्रतिक्रिया दें। तो दो लोगों की हमें, दो पार्टियों की प्रतिक्रिया हमें समझनी है। कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से इसको नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। इवन कांग्रेस ने इसको डिस्कस करने से भी मना कर दिया, केवल एक पॉइंट को लेकर। वो कौन सा? यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया था अगस्त ऑफर में, कि डोमिनियन स्टेटस लाया जाएगा। अब कांग्रेस ने कहा वो बात पुरानी हो गई, ठीक है। वो कहावत है ना कि ये हो गई बात पुरानी, अब नए सिरे से नहीं करेंगे हम अपनी जिंदगी, नहीं शुरू करेंगे अपनी जिंदगानी, ऐसा कुछ है, हाँ नई कहानी। तो कांग्रेस ने कहा कि भैया हमने तो दिसंबर 1929 में अधिवेशन किया था लाहौर में, याद है आपको, उसमें तो हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी, और आप 10-11 साल के बाद ऑफर दे रहे हो हमको, वो भी डोमिनेंट स्टेटस का, ई ना चली, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने ओवरऑल स्वीकार कर लिया, हालांकि एक दो बातों से नाराज थी मुस्लिम लीग, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार तो किया जाएगा, अंग्रेजों ने ऑफर दिया था इस अगस्त ऑफर में, और इंडियन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी अंग्रेजों की अपेक्षा। लेकिन ये नहीं बताया था कि उस इंडियन में मुस्लिम कितने होंगे, ये नहीं बताया था। और मुस्लिम लीग क्या थी? केवल मुसलमानों की बात करने वाली थी, इसको देश से कोई लेना देना नहीं था, बस इसको मुस्लिम 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 ही करती रहती थी, ठीक है। तो जिन्ना ने इसको स्वीकार कर लिया ओवरऑल, क्योंकि इसमें वीटो पावर का बात की गई थी ना, वो इस जिन्ना को बहुत प्यारा लगा वीटो पावर। तो ये हो गया भैया, क्या हमने पढ़ा अभी? ये हमने पढ़ लिया अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त ऑफर पढ़ लिया। अब अगस्त ऑफर दिया, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस को जो पुराना काम करती थी, अपना सत्याग्रह चलाना था, मूवमेंट करना था, लेकिन यहाँ पर एक अलग रास्ता अपनाया गया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने कहा मूवमेंट तो करेंगे, लेकिन मास मूवमेंट नहीं करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। मतलब एक एक व्यक्ति को चुना जाएगा, वो सत्याग्रह करेगा, गांव गांव जाएगा, घूमेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, समझाएगा
कि हमारा अंग्रेज विरोध, हमारा अंग्रेज जो है शोषण कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो 46th लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके क्लास नोट्स भी आप ले लीजिएगा, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स हैं, SHRI श्री एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे, कौन से सेक्शन में, स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे क्लास नोट्स हैं, हिस्ट्री का क्लास नोट्स है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नोट्स, वो ले लीजिएगा। उसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री भी है, उसमें कंप्लीट इंडियन नेशनल मूवमेंट भी है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।